हाय हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप शर्मा, आपका होस्ट, और अपने चैनल फंडामेंटल नेचर बॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो वीडियो बनाने का मकसद रहा वो ये है कि मैंने पहले भी एक वीडियो डाला कि कंपोज्ड हम कैसे बनाएं। कंपोज्ड बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। आज मैं आपको वो टेक्निक बताने लगा हूं कि जिससे कंपोज्ड बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ जो है छूटे नहीं है आपकी, और हम उसको प्रोसेस जो है वो पूरा जान पाएँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इन शॉर्ट बनाकर पूरी चीज़ें बताने की कोशिश करूँ। तो फ्रेंड्स, ये एक पॉट मेरा तैयार है। आप नीचे इसके अंदर देखेंगे, नीचे इसके अंदर होल भी हैं, और इसके अंदर मैं सबसे पहले डाल रहा हूँ कुछ गत्ते या कागज़ के टुकड़े। आप डाल सकते हैं, मेरे पास एक्सेल जो वो एग्स का ट्रे होती है ये वो है, वो मैं डाल देता हूँ। और इसका रीज़न बता देता हूँ कि इससे क्या है कि मॉइस्चर जो है वो नीचे बना रहेगा, ये इसलिए डाल रहे हैं। ये मैंने पहले भी डाल चुका हूँ, ये वीडियो में बना चुका हूँ, ठीक है। तो ये आप उसमें भी देख सकते हैं। चलिए इसको हम शॉर्ट कर देते हैं, फटाफट फटाफट डाल देते हैं। ये एक लेयर हमने डाल दी, बना दी है। लीजिए, ये हो गया काम। चलिए 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 जल्दी जल्दी कर देते हैं, नहीं तो मोस्टली क्या होता है कंपोज बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है और वो वीडियोस लंबी बन जाती हैं। चलिए, ये काम हमारा हो गया। इसके बाद हमने जो करना है वो आप करिए, वो हम डालेंगे इसमें ये सूखे पत्ते। दोस्तों, ये मैंने इकट्ठे करके रख लिए थे एक प्लास्टिक की थैली में संभाल कर, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। लीजिए, अब सूखे पत्ते क्यों हम डालते हैं? सूखे पत्ते हम इसलिए डालते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा सोर्स है कार्बन का, और क्योंकि ये बहुत सूखी हुई है तो बहुत जल्दी ये डिकम्पोज हो जाएंगी। देखिए, बिल्कुल सूखी हुई है, ये देखिए हमने डाली और बिल्कुल क्रश है। लीजिए, अब ये हमारी एक, अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी हम लोग मिट्टी डाल देंगे, ये और जल्दी कैसे ये बनेगी वो भी मैं आपको बहुत जल्दी, ये तो कंपोस्ट कैसे तैयार करनी है ये बता रहा हूँ, वो भी आपको बताता हूँ मैं। अब दोस्तों, इसमें शुरू करेंगे हम डालना अपना जो हमारे किचन वेस्ट है, यानी ग्रीन। ये जो है ये तो ब्राउन है, जो सूखी हुई पत्तियाँ और सब हैं वो। अब जो हम डालना शुरू करेंगे वो किचन वेस्ट जो है हमारा, ये देखिए तरबूज के नींबू, ये हो गया। होल्ड करिए, मैं और लेके आता हूँ। हाँ, तो दोस्तों ये मैंने फुल कर लिया है, इसलिए भर लिया ये कि वीडियो शॉर्ट बने। इसमें सारा कंपोज और जो इतने भी सूखे पत्ते वो सब चीज़ें मैंने इसमें फिल कर दी हैं। अब जो चीज़ मैं असली आपको बताना चाहता था कि ये जल्दी चीज़ें कैसे होंगी, उसके लिए सीधा उस पर आ जाते हैं। देखिए, ये है जैसे ये तरबूज, ये केले हैं, ये तरबूज है, ये किचन वेस्ट है, हमने उठाया और डाल दिया। नहीं, अगर आपको ये जल्दी चाहिए तो आप इसके छोटे टुकड़े कर दीजिए। छोटे टुकड़े जो होंगे हर चीज़ के, वो बहुत जल्दी जो है वो डीकम्पोज होंगे। जितनी बड़ी चीज़ हम इसमें डालेंगे उतना ये ज़्यादा वक्त लेंगे। एक चीज़ तो हो गई ये, और जो असली चीज़ है जिससे बहुत जल्दी ये हमारी डीकम्पोज होंगी चीज़ें, वो मैं आपको बताता हूँ। बस ज़रा इसको मैं कर लूँ। मैंने असल में हुआ क्या कि मैंने देखा कि कई कंपनियां हैं वो लिखती हैं कि ये हमारी दवाई डालिए और उससे क्या होगा क्या कि ये डीकम्पोज जल्दी हो जाएंगे, ये हमारा मैजिकल पोशन है, लाइक दैट, ऐसे करके और अपनी चीज़ों को बेच रहे हैं। तो मैंने वर्कआउट शुरू किया कि क्या ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ हो सकती है नेचुरल, कि जो हम लोग घर में यूज़ करें और हमारी ये कंपोज जो है वो प्रोसेस फास्ट हो जाए।
तो एक चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी कि भाई आपने ये जो है ये छोटे टुकड़े करने हैं, जितने छोटे टुकड़े हमारे रहेंगे, ये मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि ये इसके छोटे छोटे टुकड़े आपने करने हैं। इसी तरीके से और भी जो चीज़ें हैं उनके जितने छोटे टुकड़े रहेंगे उतनी जल्दी ये डिकम्पोज होंगे। ठीक, उसके बाद हमने क्या करना है, जो असली चीज़ है वो है ये दोस्तों, ये है सरसों की खली जो मैंने ग्राइंडर रखी है। सरसों की खली एक गरम फर्टिलाइज़र है, ये भी फर्टिलाइज़र है और लेकिन थोड़ा सा गरम है। तो हम इसको, मैंने इस पर एक वीडियो डाली है जो हम बड़ा डिल्यूट करके इस्तेमाल करते हैं, मतलब रेशो जो हमारी गर्मियों में रहेगी, अगर एक ऐसा मैं ये डाल रहा हूँ तो खली का लिक्विड डाल रहा हूँ, इसको पानी में डुबो के रख के हम बना देते हैं, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली है। तो अगर मैं एक लिक्विड इसका डाल रहा हूँ तो ऐसे 12 से 15 पानी के रहेंगे कप मेरे, तो रेशो ये रहेगी। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे, इसको जल्दी डिकम्पोज करने के लिए। आप देखेंगे दोस्तों कि ये बहुत ही जल्दी डिकम्पोज होगी। मैं इसको अंदर तक डाल देता हूँ और फिर आपको मैं दिखाता हूँ। ये मैंने काफ़ी अंदर तक भी डाल दिया और ये मैंने ऊपर भी डाल दिए। ठीक है, ये एक हमारा हो गया। इसे बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी ये कंपोज करना शुरू करेगी। अब इसके ऊपर हमने मिट्टी की लेयर एक कर देनी है। लीजिए साहब, मिट्टी इसके ऊपर हम कर देते हैं और आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी ये हमारा डिकम्पोज हो जाएगा। मैंने एक मटके के अंदर बनाई है, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि वो कितनी बढ़िया खाद तैयार हुई है। अब ये हो गया, इसके ऊपर मैं पानी डाल दूँगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस हमारा हो गया, लेकिन एक चीज़ और मैं भूल गया, जो मॉइस्चर हमने इसमें बना के रखना है और उसको धूप में नहीं रखना है। अब जो मॉइस्चर बनाने के लिए मैं हर 2-3 दिन में इसमें पानी दूंगा दोस्तों, वो पानी मैं सरसों की खली का दूंगा। सरसों की खली जो है वो पानी में भिगो के रख दूंगा और उसी पानी को मैं इस्तेमाल करूंगा इसको मॉइस्ट करने के लिए। और वो बहुत ही जल्दी जो, क्योंकि वो खुद भी एक कंपोज है, फर्टिलाइज़र है, बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र है वो, तो इस कंपोज को वो बहुत जल्दी ही डिकम्पोज कर देगी। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, इसमें आप बहुत जल्दी आपको आपके घर में कंपोस्ट और बहुत ही बेहतरीन कंपोस्ट, वेल न्यूट्रिएंट, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस होंगे, वो तैयार हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक मटके में तैयार की है डिकम्पोज, वो कैसी है उसको निकालते हैं आपके सामने और देखते हैं क्या तैयार हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये है मटका जिसमें मैंने कंपोस्ट तैयार की है और ये मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया तकरीबन ये तैयार ही है। इसको छानूंगा तो ये बढ़िया निकल आएगी। मैं इसको एक बार उलट के देखता हूँ कि क्या हालात हैं इसके अंदर के। लीजिए दोस्तों, हाँ काफ़ी हद तक ये तैयार है, मतलब मैं इसको अगर छान लूँ तो इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ और कुछ टाइम के लिए और भी छोड़ दूँ तो और बढ़िया तरीके से। अंदर तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये हो चुकी है मटके के अंदर, तो आप देख रहे होंगे दोस्तों ये इस तरीके से ये कंपोज जो है हमारी तैयार हो गई है। इसको मैं छानूंगा तो बहुत अच्छे तरीके से ये जो है तैयार है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पता लग गया कि कंपोज जब आप बनाएंगे तो उसको जल्दी हम लोग कैसे बना सकते हैं। ये 1-1.5 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया होगा। तो फ्रेंड्स, घर में इसको ट्राई कीजिए और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना चाहें तो शेयर भी कीजिए, और अगर पसंद नहीं आए तो
कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि पसंद नहीं आई आपको और क्या पसंद नहीं आया, तो मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।